दोस्तों, अगर आप भी ईशान किशन को दुनिया का सबसे खतरनाक विकेट कीपर बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बीसीसीआई ने नहीं दिया ईशान किशन को कॉन्ट्रैक्ट तो जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने दिया उन्हें अपने देश से खेलने का सुनहरा ऑफर और बना दिया कप्तान। जिम्बाब्वे के ऑफर की करोड़ों रकम सुनकर करोड़ों हिंदुस्तानियों से लेकर खुद बीसीसीआई के भी होश उड़ गए थे, लेकिन अब ऑफर पर पहली बार ईशान किशन का रिएक्शन निकल कर सामने आया है, जिन्होंने अब अपनी देशभक्ति दिखाते हुए जो कहा सच में करोड़ों हिंदुस्तानियों की आंखों से आंसू सुनकर लाने वाला काम किया है। तो आखिर कितने करोड़ रुपए ऑफर किए जिम्बाब्वे ने? क्या सच में अब ईशान किशन जिम्बाब्वे की तरफ से खेलने वाले हैं? क्या कुछ ईशान किशन ने दिया इस ऑफर पर बयान, ये तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ईशान किशन और यशस्वी जायसवाल में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है, जहां इस सीरीज को टीम इंडिया ने 3-1 से जीत कर अपने नाम कर लिया है। इसी बीच बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में भारत के 2 सबसे खतरनाक खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली है, उन्हें बीसीसीआई से पंगा लेना भारी पड़ गया है। आपको बता दें, साउथ अफ्रीका दौरे से आने के बाद ईशान किशन ने कुछ पर्सनल रीजन और शारीरिक आराम बताकर अपना नाम आगामी सीरीज से वापस ले लिया था। तब से वो क्रिकेट से काफी समय से दूर चल रहे हैं, लेकिन ईशान किशन कई दफा सोशल मीडिया पर घूमते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए भी दिखाई दिए थे। इसके बाद तो बीसीसीआई ने उन्हें दोबारा टीम में वापसी करने का मौका नहीं दिया। बीसीसीआई ने उन्हें घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट यानी रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए बोला, लेकिन किशन उनकी बातों को नहीं सुने और घूम रहे हैं। अभी भी उनका क्रिकेट से कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन जब यह लिस्ट जारी हुई तो ईशान किशन का नाम न देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया, खुद किशन भी हैरान रह गए। वहीं इस खिलाड़ी की चर्चा पूरे क्रिकेट जगत के कोने कोने तक पहुंच चुकी है, और इस मिले मौके का बखूबी फायदा उठाते हुए जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने तो अब किशन को जिम्बाब्वे आने का निमंत्रण भी दे डाला है। जी हाँ, खबरों के मुताबिक सच में ईशान किशन को जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम की तरफ से खेलने का सुनहरा मौका दिया है, बल्कि टीम की कमान संभालने को भी कहा है। ऐसे में ये सुनने में आ रहा है कि किशन को जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड 100 करोड़ से अधिक रुपए की रकम दे रही है और टीम का कप्तान बना रही है। इसके बाद तो केवल ईशान किशन ही नहीं बल्कि बीसीसीआई भी जिम्बाब्वे का ऑफर सुनकर पूरी तरह से हैरान हो गई। लेकिन अब इस ऑफर पर खुद ईशान किशन ने अपना रिएक्शन देते हुए बयान दिया है, तो चलिए अब हम आपको ईशान किशन के बयान को सुनाते हैं। आखिर क्या कुछ ईशान ने इस ऑफर पर बयान देते हुए कहा है। ईशान किशन ने बयान देते हुए जिम्बाब्वे के ऑफर पर कहा कि सबसे पहले तो मैं जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन मैं कभी भी किसी और देश के लिए क्रिकेट नहीं खेलूंगा। जब मैंने पहली बार अपने हाथों में बैट लिया था तब मैंने सोचा था कि भारत के लिए क्रिकेट खेलना है, मेरे लिए मेरा देश और मेरी क्रिकेट टीम सबसे पहले है। हो सकता है अभी हमारे बीच मतभेद हो, वो मुझसे नाराज हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने देश से धोखेबाजी करूं। यदि मुझे कभी दोबारा भी इंडियन टीम में खेलने का मौका ना मिले तो भी मैं कभी भारत को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं अपने देश और अपनी क्रिकेट टीम से बहुत प्यार करता हूं। मैं खूब मेहनत करूंगा और जल्द से जल्द टीम इंडिया में वापसी करने की ट्राई करूंगा। आपके इस ऑफर के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा, थैंक यू। तो दोस्तों, सच में ईशान किशन ने तो अपनी देशभक्ति में करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया, हर कोई उन्हें सलाम कर रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए था या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।